हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूँ, और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों यहाँ पे एक नया नियम लागू किया है, और ये ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में क्या है ये। तो दोस्तों जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप रेलवे में कोई सीट कन्फर्म करवाते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं और आप नहीं जाते हैं तो क्या होता है, आप नहीं जाते हैं तो जो वेटिंग में होते हैं, जो वेटिंग में लोग होते हैं उनको सीट दे दी जाती है। और इसी तर्ज पर यहाँ पर रेलवे ने कुछ किया है जिससे बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है। जो लोग यहाँ पे देखिए, जो लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, तो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के नियमों में रेल मंत्रालय ने कई बदलाव किए हैं। इसी के तहत अब रिक्तियों के लिए सफल अभ्यर्थियों को चुनने के साथ वेटिंग अभ्यर्थियों की भी सूची बनाने का नियम लागू किया गया है। और दोस्तों होता क्या है कि देखिए, मान लीजिए आपने रेलवे के लिए अप्लाई किया है और आप एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो करते क्या है लोग कि आपका एसएससी में हो गया, रेलवे में भी हो गया, तो आप चल जाते हैं सीजीएल ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो सीट तो खाली रह जाता है। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पर्सनली रेलवे के लिए, तो उनका तो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए रेलवे ने किया है कि जो लोग खाली रह जाते हैं इसकी वजह से, तो सीट खाली नहीं रहने दिया जाएगा और जो वेटिंग में उनको ले लिया जाएगा। चलिए नीचे में देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे यदि प्रतीक्षा सूची के सभी अभ्यर्थियों के समायोजन के बावजूद पद खाली रह जाते हैं तो मेरिट गिराकर अन्य अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया जाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत एक डेढ़ नंबर से कम हैं और उनका नहीं हो पाया क्योंकि कोई दूसरा उस जॉब को ले लिया और किया भी नहीं, मान लीजिए आपने आपका निकल गया, मेरिट निकल गया लेकिन आपने किया भी नहीं और आपने सीजीएल ज्वाइन कर लिया या बैंकिंग ज्वाइन कर लिया, तो क्या होता है, ये सीट खाली रह जाता है। तो आपको मौका यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। अब देखिए, पहले ये नियम नहीं था, अब देखिए आ गया, पद खाली रह जाने पर लगेगी रोक। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए किए गए इस बदलाव से पद खाली रह जाने की समस्या दूर हो जाएगी। ग्रुप डी पदों के बीते सालों की भर्ती में बड़े पैमाने पर सफल अभ्यर्थियों ने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, सफल अभ्यर्थियों ने नौकरी, मतलब जिसका हो गया था उसने नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि कहीं और उसका हो गया था, तो इसी की वजह से वो खाली रह जाता है। इससे होता क्या है कि दूसरे लोगों को नुकसान होता था, जो लोग एक नंबर डेढ़ नंबर से कम के वजह से उनका नहीं हो पाता था, ऐसे में उनके पीछे की अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका नहीं मिला। वहीं पद खाली रह जाने से रेलवे को काम का नुकसान उठाना पड़ा। तो आगे देख लेते हैं। अब पहले दोस्तों ऐसा नहीं होता था, अब तक यह होता था। पहले क्या होता था कि रेलवे भर्ती में अब तक ऐसा कोई नियम नहीं था, चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन नहीं करने पर दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिए जाए, ऐसा नहीं था। पद खाली रह जाने पर फिर से नोटिफिकेशन निकालकर पूरी भर्ती प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती थी। पहले क्या था कि अगर नहीं होता था तो फिर से वैकेंसी निकाली जाती थी या फिर से पूरी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की बात जो की गई है तो बिल्कुल नया है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र में यह भी कहा गया है कि शारीरिक योग्यता परीक्षा, यानी जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उसके लिए रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप जाते हैं शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए, पीईटी के लिए, तो उसमें 3 गुना जितना पद है उसे 3 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे। पहले क्या था कि दोस्तों 2 गुना ज़्यादा बुलाया जाता था, लेकिन अब 3 गुना बुलाया जाएगा। और एक और बात है यहाँ पे कि वहीं शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्रों के जाँच के दौरान, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर 2 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये होगा, पहले 20% ज़्यादा बुलाए जाते थे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, साफ साफ जिक्र कर दिया गया इस बात कि रेलवे भर्ती के नियमों में किया गया बदलाव हाल ही में निकाले गए 62,907 पदों की भर्ती से ही लागू होगा। ये ग्रुप डी के लिए लागू हो रहा है, तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं इधर उधर, तो उसे आपका नहीं हो पाता है, तो ये यहाँ पे एक चांस बन जाता है आपका, अगर थोड़ा कम भी आता है, क्योंकि मेरिट को लो कर दिया जाएगा और सिलेक्शन आपका कहीं ना कहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक और छूट दिया गया है रेलवे की तरफ से और बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।